Alkaline diet maintain of your health. मेरा नाम बिनय और मैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड योग टीचर हूँ. अभी देखिए जो चर्चा चल रहा है, आप लोग ज्यादा टीवी का एड में हो सकता है, नेट में ज्यादा जो बात आपको सुनाई देता है अल्कालाइन डाइट. तो वो क्या चीज है उसका बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है. अल्कालाइन डाइट बोल रहा हूँ जिसमें आपका सॉलिड एंड लिक्विड दोनों चीज आ जाएगा. लास्ट में आपको एक टेक्निक बताएंगे, जरूर मेरे साथ में रहिएगा वीडियो का लास्ट में वो चीज बताएंगे. चलिए अभी शुरुआत करता हूँ. हम लोग का जो शरीर देखिए, पहला मेरा मानना है हर चीज में जानकारी होने से पहले आपका इस शरीर के बारे में बिल्कुल आपका जानकारी होना चाहिए. तो आपका इस शरीर के लिए जो आपको मनुष्य जाती है उसका मुंह जो होता है, मुंह में जो लार बनता है वो अल्कालाइन होता है, खारी होता है. पेट में जिधर आपका खाना हजम हो रहा है स्टोमक, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बहुत ही खतरनाक एसिड होता है और जिसका पीएच काउंट करेंगे तो 1 होता है. जो कोई भी चीज आप खाना खा रहे हैं जिसको पेस्ट बना देता है, और जो प्रैक्टिकल आप देख सकते हैं, मतलब आप उसको अनुभव कर सकते हैं, आपको पता होगा जो तो अंदर में एसिड और मुंह में जो खार बन रहा है. तो हम लोग का शरीर जो, और एक चीज आपको जानकारी होना चाहिए, हम लोग का शरीर 70% पानी से बना हुआ है और 30% सॉलिड आइटम. ये देखिए, और साइंस का जो एक अभी रिसर्च आया है जिसका मानना है दिन का दौरान जितना हम लोग खाना खा रहा हूं उसका 80% अल्कालाइन होना चाहिए और 20% एसिडिक होना चाहिए. मतलब खाली जो खाना खा रहा हूं वो 80% होना चाहिए या 20% आपका अम्लिक खाना होना चाहिए. तो हम लोग का मुंह में जो लार बन रहा है मैक्सिमम से मैक्सिमम अल्कालाइन होना चाहिए. खाना में आपका अल्कालाइन ज्यादा होना चाहिए. तो खाने में अल्कालाइन, कौन सा खाना अल्कालाइन है उसके बारे में आपको जानने से आपका काम बन जाएगा. अल्कालाइन अंदर में लेंगे पेट में जाएगा और एसिड उसको पचा देगा, एसिड उसको पेस्ट बना देगा और स्मॉल इंटेस्टाइन उसको सप्त धातु में कन्वर्ट करेगा. तो ये सब हो जाने से आपका देखिए शरीर एकदम सुस्त रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, आराम से शरीर आपको सर्वाइव कर पाएगा. तो ये जो शरीर है, शरीर में जो देखिए बीमारी आता है आपका शरीर में, अम्ल का मात्रा ज्यादा बढ़ जाने से, एसिड का मात्रा ज्यादा बढ़ जाने से, आपका खून में एसिड का मात्रा बढ़ गया, आपका हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, लिवर का प्रॉब्लम हो सकता है, किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, इवन आप कैंसर तक कभी जाता कर सकते हैं. तो आपको अल्कालाइन खाना लेना बहुत ही जरूरी है. तो मेन जो मुद्दा आ जाता है अल्कालाइन खाना हम लोग को कौन कौन चीज से मिल सकता है, वो हम लोग का जैसे जानकारी हो जाएगा तो आराम से हम लोग वो चीज को ले लेंगे और शरीर ठीक रहेगा. तो अल्कालाइन खाना आपको जैसे मिलेगा हरा सब्जी, जितना हरा सब्जी है उसमें मिलेगा. पालक साग जो है उसमें आपको ज्यादा अल्कालाइन मिलता है. उसके बाद आपका गाजर हो गया, मूली हो गया, वेगन हो गया, टमाटर हो गया, इसमें आपका अल्कालाइन भरपूर परिमाण में है. और जो आपका अंकुरित अनाज है उसमें भी बहुत परिमाण में आपका अल्कालाइन रहता है. और एक चीज और मैं बता देना चाहूंगा, आप बीच बीच में जो अर्जुन का छाल होता है वो सुखा के रखिए. अर्जुन का छाल को सुबह जैसे चाय टाइप का चाय बना लीजिए, अर्जुन छाल डालते हुए, चाय पत्ता नहीं, अर्जुन छाल डालते हुए थोड़ा सा काढ़ा बना लीजिए, उसमें गुड़ डालते हुए उसको सुबह पीजिए. देखिए आपका शरीर अल्कालाइन हो जाता है, शरीर आपका बहुत ही अच्छा रहता है, वो हार्ट के लिए बहुत ही लाभदायक है. ये देखिए हो गया आपका खाने में क्या आपको, लेकिन एसिडिक खाना जो होता है, जो आपका नॉन वेज होता है, वेज नहीं नॉन वेज, वो एसिडिक में जाता है. जैसे मटन, चिकन, अंडा, मछली, ये सब आपको ज्यादा वर्जन करना पड़ेगा. जितना वर्जन करेंगे शरीर उतना अच्छा रहेगा, अल्कालाइन रहेगा, शरीर अच्छा रहेगा. अभी जो चीज है उसमें मैं आ जाता हूँ, अभी पानी के बारे में बात करता हूँ. पानी देखिए बहुत ही वाइटल चीज है. तो पानी के लिए आपको जो चीज करना है, पानी आपको अल्कालाइन पीने से, क्योंकि पानी का 70% है, पानी आप ज्यादा पीते हैं शरीर में ज्यादा आपका पानी का जरूरत है. पानी आप लेंगे तो क्या होगा, पानी ज्यादा लेने से शरीर भी आपका पानी ज्यादा से बना हुआ है. तो पानी आपको अल्कालाइन लेने से शरीर और भी अच्छा रहेगा. तो अल्कालाइन पानी कैसे बनाए, आप देखिए दुकान से कोई मशीन खरीद के ले आएंगे अल्कालाइन बनाने के लिए, लेकिन वो केमिकली प्रोसेस होता है जो, और आपका शरीर बना है नेचुरल वे में. आप केमिकल डाल के उसको अल्कालाइन करेंगे तो शरीर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, शरीर में बीमारी आ सकता है, साइड इफेक्ट हो सकता है. लेकिन कोई नेचुरल वे में उसको अल्कालाइन करके पिएंगे पानी को तो बहुत अच्छा हो सकता है. तो इसके लिए मैं जो चीज बता रहा हूं एकदम ध्यानपूर्वक सुनिएगा, खुद कीजिएगा, मैं खुद करता हूं और
घर में आप खुद कर लीजिए, करके देखिए कैसा हो रहा है, और दूसरे को बताइए, आपका फ्रेंड में बताइए, फैमिली में बताइए, आसपास में सब आदमी को बताइए। हवन करने के बाद प्रोसेस जो है, हवन करने के बाद जो राख आता है, हवन करने के बाद जो राख रहता है, और राख को आप घर में स्टील वाला जो फिल्टर रहता है, दो ऊपर में एक नीचे, ऊपर में जो कंटेनर है उसमें दो तीन तो देखिए जो कैंडल रहता है, वो पानी के साथ थोड़ा सा आप उसमें रख डाल दीजिए, और वो फिल्टर होते हुए नीचे जो आपका पानी आएगा उसमें अल्कालाइन पानी और भरपूर परिमाण में जितना मिनरल होना चाहिए शरीर के लिए सब हो जाता है फिल्टर होते हुए, सब मिल जाता है उसके साथ। तो ये साइंस हम लोग का साइंटिस्ट लोग बता रहे हैं, तो ये जरूर आप कीजिए। देखिए सुनने से काम नहीं बनेगा, ये जरूर करने के बाद ही आपका शरीर में वो चीज जाएगा और शरीर आपका ठीक रहेगा। तो बात आप जरूर समझ लिए होंगे, आपको खाने में ध्यान देना पड़ेगा और उसके साथ साथ आपका पानी जो पी रहे उसमें भी ध्यान देना पड़ेगा। दोनों एक साथ जैसे मिलित होते हुए आपका शरीर में जाएगा, पूरा शरीर आपका एल्कलाइन हो जाएगा। तो आपको मेन जो चीज करना है और एक बार बता देता हूँ, आपको शिफ्ट होना जाना है टोटल एल्कलाइन फूड में, एल्कलाइन फूड में मैक्सिमम मतलब 80% एसिड का भी, एसिडिक का भी जरूरत है लेकिन कम, 80% आपको एल्कलाइन फूड का जरूरत पड़ेगा। और वो चीज आप जैसे लेंगे तो देखिए शरीर आपका बहुत अच्छा रहेगा, शरीर अच्छा रहेगा तो मन भी अच्छा रहेगा, और मेरा वही उद्देश्य है आपका शरीर और मन को ठीक रखना। तो जो वीडियो को कैसा लगा है और ये प्रैक्टिस करने के बाद कैसे आपका महसूस हो रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर मेरे को बताइएगा। मैं जल्द मिलेंगे आपको एक नया वीडियो नया ऊर्जा के साथ, तब तक डेली बेसिस में आसन प्राणायाम करते रहिए और खुद स्वस्थ रहिए और दूसरे को स्वस्थ रखने के लिए प्रेरित कीजिए।